वो लोग आ गए। वो तो हेलबिला में सभी के सामने हो गया है रश्मि का खुलासा। असल में ट्विस्ट एंड टर्न्स को पार करके सयूरी, कान्हा, नकुल वापस घर आ जाते हैं, वो भी उस लड़की के साथ। ये लड़के इस घर के अंदर नहीं आ सकते, ये शरीफ लोगों का घर है, कोई बदनाम मोहल्ला नहीं है जहाँ पर तुम अपने आशिकों के साथ। जिसे देख कर रश्मि जल उठती है। ऐसे में वो सभी के सामने उस लड़की को ताने कसती है। किस कीचड़ से उठकर आई है ये, कितने लोगों का गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में। लेकिन सयूरी रश्मि को ऐसा करने से रोक देती है। इतना ही नहीं, सभी के सामने वो अपनी बहन का खुलासा भी करती है। तो जैसे इंसान के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती रश्मि। क्यों सयूरी, ऐसा क्या कह दिया हमने? इतनी बेशर्म और कितनी गरीब इंसान है तू, अभी भी पूछ रही है कि क्या किया तूने? इस परिवार को जिसे तू अपना कहती है, जिन रिश्तों को तू आज भी अपना कहती है, जिन लोगों को तू अपना कहती है, बहुत अपनापन दिखाया तूने उनके साथ। अरे अगर किसी को इस घर से निकलना चाहिए ना तो वो तू है रश्मि, सिर्फ और सिर्फ तू। शरीफ और भले घर के लोगों में तेरी जैसी औरत की कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी रश्मि को लेकर, प्रॉब्लम में हमारी मदद नहीं की है बल्कि यही जिम्मेदार है उस प्रॉब्लम को हमारे घर तक लाने के लिए। कि चमन, बहार और टिंगू के साथ मिलकर किसी और ने नहीं बल्कि रश्मि ने ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी। तो गाना पर्दाफाश कर दिया है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे चमन, बहार, टिंगू को इस घर का रास्ता दिखाया तूने, कैसे कैसे हमारे अगेंस्ट प्लानिंग की है तूने रश्मि, सब कुछ बता दिया उसने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।